नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेबी डिजिटल और मैं हूं काजल। बैंक ऑफ इंडिया की सदर ब्रांच में 15,81,000 की धोखाधड़ी का साइबर क्राइम दर्ज हुआ है। साइबर अपराधियों ने खेमका मोटर्स के संचालक के नाम पर इस कारनामे को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि करीब 2 महीने बीत जाने के बाद इस धोखाधड़ी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। किंग्सवे स्थित बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में धोखाधड़ी की ये घटना घटी है। जानकारी के मुताबिक खेमका मोटर्स के संचालक के नाम पर एक व्यक्ति ने बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर राहुल भोंगे को फोन कर चेकबुक खत्म होने का हवाला दिया और किसी अन्य खाते में करीब 8,16,000 की राशि ट्रांसफर करने की बात कही। बैंक मैनेजर ने ईमेल के जरिए खाता धारक की पहचान करने की बात कही और पहचान होने पर ये राशि रिजवान खान नाम के व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी। इसके ठीक एक दिन बाद उसी अज्ञात व्यक्ति ने दोबारा इसी तरह से राहुल कुमार के खाते में 7,65,000 रुपए ट्रांसफर करवा दिए। इस बीच जब खेमका मोटर्स के संचालक को जब इस आर्थिक व्यवहार का पता चला तो उन्होंने बैंक को इस बात की सूचना दी और बताया कि ना तो उन्होंने बैंक मैनेजर को कोई फोन किया था और ना ही कोई ईमेल के जरिए किसी तरह की सूचना दी। फिरियादी है विजय रामटे के, ये सीनियर मैनेजर है ये बैंक ऑफ इंडिया में। 11/10/2022 को उनके बैंक में एक कर्मचारी राहुल भोगे करके वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन व सेवा में, उनको अज्ञात आरोपी ने एक मोबाइल नंबर से फ़ोन किया और उन्हें बताया कि वो जय शिवशंकर खेमका बोल रहे हैं और उनका बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट से 8,16,590 रुपये आरोपी ने एक अकाउंट दिया था, उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। उनके पास का चेक ख़त्म हो गया है और RTGS के लिए वो कल बैंक में आ जाएंगे फॉर्मेलिटी के लिए। अभी अर्जेंट में ये अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है। बैंक ऑफ इंडिया में खेमका मोटर्स और खेमका मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ऐसे दो अकाउंट है और दोनों अकाउंट के जो अकाउंट होल्डर है वो अलग अलग है, खेमका फैमिली के है लेकिन अलग अलग होल्डर है वो। उसमें इन्होंने आरोपी ने एक ईमेल रिक्वेस्ट भेजी, उसके ऊपर से बैंक के जो अधिकारी है राहुल भोगे, इन्होंने यह अमाउंट आरोपी ने बताए हुए अकाउंट के ऊपर में ट्रांसफ़र कर दिया। ये मैसेज जब खेमका मोटर्स में गया तो खेमका मोटर्स के अकाउंट होल्डर बैंक में गए, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी रिक्वेस्ट बैंक को की नहीं है। इस पूरे वाक्य के बाद बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर राहुल भोंगे के होश उड़ गए और उन्हें समझ में आ गया कि किसी साइबर अपराधी ने फर्जी ईमेल के जरिए इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी ओर करीब 16 लाख की धोखाधड़ी को अंजाम देने के बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद रहे और उन्होंने दोबारा उसी तरीके से दिनेश कुंभारे नाम के व्यक्ति के खाते में करीब 8,96,000 रुपए ट्रांसफर करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। बहरहाल इस पूरे वाकये के बाद सदर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी असल पहचान के साथ खोजबीन की जा रही है।